लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ CTM। ये CTM क्या है? क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो अभी क्वारंटाइन चल रहा है, आप सब अपने घरों में होंगे, तो ये भाई गाइस बेस्ट टाइम है कि आप अपने फेस को क्लीन करें, टोन करें और मॉइस्चराइज करें। तो हम क्यों करें? क्योंकि गाइस हम मेकअप करते हैं, पॉल्यूशन आता है, उन सब चीज़ों के लिए हमें अपने फेस को कभी कभी पैम्पर भी कर देना चाहिए। तो आज हम करेंगे क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और इसके जो सारे प्रोडक्ट होंगे वो आपके किचन से होंगे, बजट फ्रेंडली होंगे और होममेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन और इस संतरे के छिलके और दालचीनी को पीस के मैंने पाउडर बना लिया था वो है, और ये है मसूर की दाल और चावल का पाउडर। और उसमें हम नींबू डालेंगे क्योंकि नींबू ब्लीच का काम करता है और जो ये दाग धब्बे होंगे, अनइवन स्किन टोन होगी, वो क्लीन करता है आपका। तो नींबू आपको मस्त लेना ही लेना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हनी भी मिला सकते हैं, पर नींबू इसमें ज़रूर मिलाना है क्योंकि अगर आप साबुन भी यूज़ नहीं कर रहे ना तो नींबू से क्लीन होगा आपका फेस। और ये टमाटर डालेंगे हम इसमें, टमाटर आपकी मर्जी है पर डालेंगे तो अच्छा ही है। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे, जैसा जितना आपको चाहिए, ज़्यादा थिक बनाना हो या ज़्यादा पतला बनाना हो उस हिसाब से। अगर आप ये पेस्ट अपने फेस पे लगाते हैं ना तो उसके बाद आपको कोई भी और फेस पैक या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। तो हमारा फेस तैयार है। आप मॉर्निंग में उठते हैं आपका फेस क्लीन होता है तो तभी हम ये अप्लाई करेंगे। मेरे यहाँ पे स्पॉट्स हैं कुछ और आंखों के नीचे हल्के हल्के डार्क सर्कल है, उसके लिए पैक बेस्ट रहता है। अगर आपको ये कुछ नॉइज सुना रही हो तो गाइस लॉकडाउन है सब, तो क्लियर वॉइस सुनाई देती है बाहर की, तो उसके लिए सॉरी। अभी पैक अप्लाई करेंगे हम। आप ये ब्रश से ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। वैसे उंगली से भी कर सकते हैं अपने हाथ से, पर उसमें क्या है ना आपका हाथ खराब, ब्रश तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो आप मेरे ख्याल से आप एक बार ब्रश खरीद लीजिए, बस काम चल जाएगा। तो जब तक मेरा पैक सूखेगा मैं जूस बना के ले आई। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप पैक लगा के टी वगैरह बनाइए और पी लीजिए, तब तक आपका पैक भी सूख जाएगा। और उसके लिए आपको ना इतना पैक ज़्यादा नहीं सुखाना है कि एकदम पूरा हार्ड कर दो, इतना टाइम रखने की ज़रूरत नहीं। आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा सूख गया है, या तो आप इसे धो लीजिए या तो फिर आप इसे स्क्रब कीजिए, मतलब हफ्ते में एक या दो बार आप स्क्रब कर सकते हैं, बाकी टाइम इसे वॉश कर लीजिए अच्छे से। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके ब्लैक हेड वगैरह हैं साइड में, नेक वगैरह में, आप स्क्रब कीजिए।
अब हम बनाएंगे टोनर। ये हम गुलाब का टोनर बना रहे हैं, तो ये गुलाब जल बनाएंगे हम। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल जिसमें हम बीच में एक पत्थर रखेंगे और उसके साइड में सारे हम गुलाब रखेंगे और इसमें बीच में पानी डालेंगे सारे में साइड में। एकदम फुल नहीं करना है जहां तक बाउल है, उससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे। अपनी गैस ऑन करके इसको इस टाइप के से ढक्कन में रख लेंगे। अब इसको जहां जहां से स्टीम निकल सकती है उसको हम आटे से ढक देंगे और इसको गैस को लो रखेंगे। ये देखिए हमने आटे से चारों तरफ से ढक दिया है जहां से स्टीम निकल सकती है। अब जब आटा सूख जाए हम इसको ये निकाल देंगे चाकू से और हमारे रोज एकदम व्हाइट हो चुके हैं। अभी आपको दिख रहा होगा, जब ये पूरा व्हाइट हो जाए इसका मतलब इसका रोज वाटर तैयार है। गर्म होगा तो हम इसे चाकू से ही निकालें। सॉरी गाइस अगर आपको नॉइज सुनाई दे रही हूँ मैं, बट क्या करूँ, मतलब कुछ नहीं कर सकते यार। तो हमारा रोज वाटर तैयार है। अब इसको हम किसी स्प्रे कंटेनर में रखेंगे क्योंकि इसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं। फिर आप फ्रिज में रखिएगा, रेडी हमारा रोज वाटर होममेड। हमने अपना पूरा फेस अच्छे से क्लीन कर लिया। स्क्रब करने के बाद हमारे जो फेस ओपन पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, उसके लिए भी मैंने जो रोज वाटर बनाया है वो स्प्रे करेंगे। ऑलरेडी इतना सा ही बचा है क्योंकि मैं बहुत यूज करती हूँ इसे। ऐसे हम फ्रिज में रखेंगे, जब भी हमें नीड होगी अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे मॉइस्चराइजर। तो इसके लिए वही मैंने जो संतरे के छिलके और दालचीनी को पीस के रखा हुआ है अच्छा खासा, वो लेंगे 2-3 चम्मच जितना आपको चाहिए उस हिसाब से। और इसमें मिलाएंगे कोकोनट ऑयल। यार ये तो बाकी ना, हाँ जी, तो इसमें हम मिलाएंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बेस्ट है आपके लिए। जितना हम इसमें पाउडर मिलाएंगे उतना ही हम इसमें ऑयल मिलाएंगे और इसको एक दिन के लिए रख देंगे। मैं ऑलरेडी एक दिन का रखा हुआ है, मेरा ऑरेंज हो गया है। मतलब जो मार्केट में मिलते हैं ना इतने महंगे महंगे से, ये हम घर में बना सकते हैं और हमें पता है ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अब इसको हम एक कांच की बोतल में डालेंगे। यार आप प्लास्टिक वगैरह का यूज मत कीजिएगा प्लीज। कांच में जैसा है वैसा ही रहता है, वैसे ही फ्रेग्रेंस रहती है, और प्लास्टिक में यार मतलब केमिकल होता है, तो कांच में यूज रखिए। तो हमारा ऑरेंज ऑयल तैयार है। इसमें हम ना थोड़ा सा केसर डाल देंगे ऊपर से और इस बोतल में ही डाल देंगे ताकि केसर का भी इसमें थोड़ा वो आ जाए गुडनेस। ये हमारा ऑरेंज ऑयल बनके तैयार हो गया एकदम। तो हमारा टोनर एकदम सूख गया है, पूरा फेस हमारा क्लीन हो गया। तो अब हम इसमें लगाएंगे, हमारा मॉइस्चराइज करेंगे। ये हमारा वही ऑरेंज ऑयल है जिसमें हमने केसर मिक्स किया था और ये हमारा एलोवेरा जेल है। अब करेंगे मॉइस्चराइजिंग। पहले हम एलोवेरा जेल लेंगे थोड़ा सा, और आपके अगर ड्राई स्किन है तो साथ साथ हम इसके अपना जो हमने ऑरेंज ऑयल बनाया था वो भी 2 बूंद लेके फेस में अच्छे से मसल लेंगे। थोड़ा सा अपने फेस को मसाज देंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप और ऑयल नहीं भी डालेंगे चलेगा, क्योंकि फेस पैक में ऑलरेडी हमने, अब हमारी क्लिंजिंग टोनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका जो हमारा बचा हुआ फेस था बेसन वगैरह का, इससे हम अपना पूरा बॉडी स्क्रब कर सकते हैं, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप ये डेली कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको पार्लर जाके फेशियल कराने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय।